हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 108 टू 110। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 चैप्टर 5। इसमें बात हो रही है सेक्शन 108 में लेसर और लेसी के राइट्स और लाइबिलिटीज़। तो जो कोई कॉन्ट्रेरी कॉन्टैक्ट अगर नहीं है, जो है लोकल यूसेज से भी कॉन्ट्रेरी नहीं है, तो जो लेसर और लेसी के होंगे वो आगे बताने वाले जो हम बताएंगे वो राइट्स और लाइबिलिटीज़ होंगी जो कि उस प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल होंगी। तो जो राइट्स और लाइबिलिटीज़ हैं लेसर की, तो लेसर जो है अगर कोई उसमें मटेरियल डिफेक्ट है प्रॉपर्टी में, तो लेसी को बताएगा उसके इंटेंडेड यूज़ के हिसाब से। अगर लेसर को पता है, लेसी को नहीं पता, और लेसी जो है वो ऑर्डनरी केयर से उसे डिस्कवर नहीं कर सकता, लेसर जो है वो बाउंड है कि वो लेसी को उस प्रॉपर्टी की पोजीशन देगा अगर लेसी मांगता है। तो लेसर जो है वो माना जाएगा कि लेसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अगर उसे रेंट मिल रहा है उस लीज के लिए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बाइंड करेगा और उसे परफॉर्म करेगा। वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है ऐसे टाइम के लिए जब तक कि इंटरप्शन नहीं हो। फिर जो बेनिफिट है कॉन्ट्रैक्ट से, उसे एनेक्स किया जाएगा और वो लेसी के इंटरेस्ट में होगी, जैसे कि एनफोर्स की जा सकती हो किसी भी पर्सन से जो भी उस इंटरेस्ट से होल या पार्ट में कुछ उस वेस्टर्न इंटरेस्ट में हो। फिर जो लेसी है उसके राइट्स और लाइबिलिटीज़, तो अगर कोई असेशन होता है उस प्रॉपर्टी में जब लीज चल रही है, तो एल्यूवियन के लॉ को देखते हुए उसमें माना जाएगा कि वो जो प्रॉपर्टी है वो लीज को कंप्राइज कर रही है। अगर उसमें कुछ भी डिस्ट्रक्शन होता है तो जिसके कारण वो अनफिट हो जाती है जिस पर्पज़ के लिए उसे लिया गया था, तो वो लेसी जो है उसको वॉइड कर सकता है। उसमें प्रोवाइज़ो है कि इंक्वायरी की जाएगी कि जो रॉन्गफुल एक्ट है, डिफ़ॉल्ट है, उसमें लेसी का नहीं होना चाहिए और वो अवेल कर सके उस बेनिफिट का। फिर अगर लेसर निग्लेक्ट करता है कि वो एक नोटिस दे रिपेयर करने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी को, तो जो लेसी है वो उसमें खुद से कुछ भी वो खुद से उसमें रिपेयरिंग कर सकता है और वो डिडक्ट कर सकता है उस एक्सपेंस को रिपेयर के उस इंटरेस्ट से रेंट के, और या फिर जैसा भी लेसर के साथ उसका डील हो, या फिर उससे लेसर से रिकवर कर सकता है। फिर उसके बाद जो लेसर है अगर निग्लेक्ट करता है कोई पेमेंट जो कि वो बाउंड है करने के लिए, तो वो अगर उसके द्वारा नहीं की गई है तो जो वो रिकवर कर सकता है लेसी से, और या फिर उस प्रॉपर्टी से जो लेसी पेमेंट करता है उसे डिडक्ट कर सकता है उस इंटरेस्ट से रेंट के, और या फिर रिकवर कर सकता है लेसर से। जो लेसी है वो डिटर्मिनेशन के बाद लीज के उसे हटा सकता है जब वो उसकी प्रॉपर्टी जो है पोजिशन में हो, पर उसके बाद जब और जो बाकी भी चीज़ें उसमें अटैच्ड होंगी वो प्रॉपर्टी को उसी स्टेट में रिसीव करे जिसमें है। फिर जहाँ पे लीज जो है वो किसी भी कारण से जिसमें लेसी की फॉल्ट नहीं हो, या फिर तो वो या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके जो भी क्रॉप्स प्लांटेड हैं या उसमें जो भी बीज लगाए गए हैं लेसी के कारण, तो वो उस प्रॉपर्टी से ले सकता है और वो उसमें इंग्रेस कर सकता है, एग्रेस कर सकता है उन्हें गैदर और कैरी करने के लिए। फिर जो लेसी है वो या तो मॉर्गेज के थ्रू या फिर सब लीज के थ्रू उसका होल या पार्ट इंटरेस्ट प्रॉपर्टी का दे सकता है और किसी को, और जो ट्रांसफरी है उस इंटरेस्ट का या फिर उस पार्ट का वो फिर से उसको आगे किसी को दे सकता है। जो लेसी है वो किसी भी रीज़न से उस ट्रांसफ़र से सीज़ नहीं करेगा कि अपनी लाइबिलिटीज़ को जो भी उस लीज से हैं, और कोई भी चीज़ इसकी उसको टीनेंट रखने के लिए अथोराइज नहीं करेगी जिससे राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को रोका जाए। और जो फार्मर है उस स्टेट का उसको रिवेन्यू पे करना होगा, मतलब रिवेन्यू पे कर रहा है, या फिर कोई भी लेसी जो है उस स्टेट का वो उस मैनेजमेंट कर रहा है कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंदर, तो असाइन करे उस कुछ भी इंटरेस्ट टीनेंट को, फार्मर को या लेसी को। जो लेसी है वो बाउंड है कि वो डिस्क्लोज करे कोई भी फैक्ट जो भी नेचर एक्सटेंट उसका जो है इंटरेस्ट लेसी का, कि उसमें उसका इंटरेस्ट होगा और लेसर उस बात से अवेयर नहीं है
और वो उससे जो इंटरेस्ट है उससे वैल्यू इंक्रीज हो रही है। फिर जो लेसी है वो बाउंड है कि वो पे करे और टेंडर करे जो भी प्रीमियम और रेंट है उसका। फिर उसके बाद लेसी जो है वो उस बाउंड है कि वो की रखे, और अगर लीज टर्मिनेट होती है तो रिस्टोर करे प्रॉपर्टी को गुड कंडीशन में, जब भी उसे पोजेशन दी गई थी उसमें से वैसे ही चेंजेस हों जो रीजनेबली वियर कर सकते हैं या जो भी फोर्स अप्लाई हो रही है, और वो अलाउ कर सकता है अपने लेसर को और एजेंट्स को, मतलब लेसर को और एजेंट्स को करे कि वो रीजनेबल टाइम पे जब वो टर्म चल रही है कि वो उसमें एंटर करें प्रॉपर्टी में, उसे इंस्पेक्ट करें, उसकी कंडीशन देखें, और अगर कुछ भी है तो नोटिस दें अगर कोई डिफेक्ट है कंडीशन में तो, अगर उसमें कुछ भी लेसी का या उसके सर्वेंट का या एजेंट का कोई फॉल्ट है तो, और वो उसको फिर से 3 महीने के अंदर उसे उस नोटिस के अंदर या तो वो ठीक करे या फिर उस प्रॉपर्टी को छोड़े। अगर लेसी जो है वो अवेयर हो जाता है प्रोसीडिंग का कि वो रिकवर करना चाहता है प्रॉपर्टी या फिर उसका कोई पार्ट और उसमें कोई एंक्रोचमेंट है अगर, तो वो रिकवर कर सकता है प्रॉपर्टी या उसका सॉरी तो वो या फिर कोई इंटरफेरेंस, तो लेसर के जो राइट हैं उस प्रॉपर्टी में तो वो बाउंड है कि वो नोटिस दे लेसर को। फिर जो लेसी है वो प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता है, और उसके अगर कोई प्रोडक्ट हैं तो वो ऑर्डनरी प्रूडेंस से उसे यूज़ कर सकता है, पर अगर वो किसी और को परमिट नहीं कर सकता। और जो प्रॉपर्टी है वो जिस पर्पस के लिए लीज़ की गई थी सिर्फ उसी के लिए लीज़ की जाएगी, और कोई भी गिरता है या फिर टिम्बर को सेल करते हैं तो उस, या पुल डाउन करता है कोई डैमेज बिल्डिंग का जो भी लेसर से बिलोंग कर रही है या वर्क है माइन का क्वेरीज का, तो वो जब तक लीज़ ग्रांटेड है तब तक के लिए रहेगा, तब तक के लिए वो बंद रहेगा। और वो जो वो कमिट करता है कोई एक्ट जो कि डिस्ट्रक्टिव है या इंजीरियस है, तो फिर वो जो है वो लेसर की कंसेंट के बिना लेसी इरेक्ट नहीं करेगा प्रॉपर्टी में कोई भी ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर एग्रीकल्चरल पर्पस के अलावा, और कोई भी डिटर्मिनेशन लीज की जो है उस पे लेसी जो है वो बाउंड है कि लेसर को पोजेशन दे प्रॉपर्टी की। सेक्शन 109 बात करता है लेसर की के जो ट्रांसफरी है उनके राइट, तो अगर लेसर का ट्रांसफर करता है कोई भी प्रॉपर्टी लीज की हुई या उसका कोई पार्ट या कोई पार्ट उसके इंटरेस्ट का, तो ट्रांसफरी जो है वो अगर कोई कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो पोजेस करेगा राइट्स, जैसे कि वो लेसी उसे इलेक्ट करता है जैसे भी लाइबिलिटीज़ जो है लेसर की उस प्रॉपर्टी पे, और या फिर कोई पार्ट जो भी ट्रांसफर्ड है जैसे कि वो उसका ओनर हो, बट वो जो लेसर है वो किसी भी कारण से ट्रांसफर की उसको सीज करता है तो लाइबिलिटीज़ को जो उसके ऊपर हैं, तो अनलेस जो लीज है लेसी है वो इलेक्ट करता है कि ट्रांसफरी को पर्सन लाइबल बनाता है कि नहीं बनाता, उस पर डिपेंड करेगा। तो तब तक उसको जो लेसर है वो उन लाइबिलिटीज का से छुटकारा नहीं पाएगा जब तक कि ट्रांसफरी के ऊपर लेसी कुछ भी इलेक्शन करे। इसमें प्रोविज़ो है कि जो ट्रांसफरी है वो एंटाइटल्ड नहीं है एरियर्स के लिए, रेंट के लिए जो भी ट्रांसफ़र के पहले का है उसके लिए ट्रांसफरी जो है एंटाइटल्ड नहीं है, और अगर लेसी किसी भी कारण से ट्रांसफ़र करता है और उसे पे करता है, उसको लेसर को रेंट पे करता है, तो उस और जो लेसी है उसने वो लायबल नहीं है उस रेंट के लिए, तो वो ऐसे रेंट को ट्रांसफरी को दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो लेसर है जो और जो ट्रांसफरी है जो लेसिंग है वो डिटरमाइन करेंगे कि किस प्रपोर्शन में प्रीमियम और रेंट जो है वो लीज का पेबल होगा और किस पार्ट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर डिसएग्री करते हैं तो ऐसा डिटर्मिनेशन कोर्ट करेगी, और जिस जो भी ऐसे पोजेशन के प्रॉपर्टी की लीज की उसको एंटरटेन कर सकती है सूट को। फिर उसके बाद सेक्शन 110 बात करता है कि कब टर्म कमेंस होगी उसके लिए, तो जहाँ पे लीज जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का है उसमें एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि कब से शुरू हो रहा है, तो उस टाइम को कंप्यूट करने के बाद उस दिन को छोड़ के आगे के दिन से उसे गिना जाएगा। और जहाँ पे कोई भी डे कमेंसमेंट का नहीं लिखा है और वो जो है लीज बनती है, तो जो अगर ईयर के लिए बन रही है तो जहाँ पे एक ईयर की बात है, नंबर ऑफ ईयर्स की बात है, तो अगर कुछ एक्सप्रेसली एग्रीमेंट में नहीं है, कुछ कॉन्ट्रेरी नहीं है, तो लीज जो है वो उस एनिवर्सरी डे तक चलेगी
जब वो शुरू हुआ है, और लीज़ को डिटरमाइन किया जा सकता है जहाँ पे टाइम जो है लिमिटेड है, एक्सप्रेस है, जो टाइम लिमिटेड है, एक्सप्रेस्ड है, वो टर्मिनेबल है उसके पहले, कंप्लीट होने के पहले। तो जो और जो लीज़ है वो ओमिट करती है कोई मेंशन करना कोई भी उस टर्मिनेशन के ऊपर। तो जो लेसी है और ना कि लेसी, लेसर मतलब जो लेसी है उसके पास है कि वो टर्मिनेट कर सकता है। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।